आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर होल वर्ल्ड की इकोनॉमी जिस तरह डिस्ट्रॉय हुई, तो उस इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए, फिर से खड़ा करने के लिए अमेरिका के बेटन शहर में 44 कंट्रीज के मेंबर ने, रिप्रेजेंटेटिव्स ने पार्टिसिपेट किया और सम्मेलन हुआ। सम्मेलन को बेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, बेटन वुड्स सम्मेलन कहते हैं। 44 देशों के प्रतिनिधियों ने उस पर विचार विमर्श किया कि किस तरह से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा किया जाए। और इस सम्मेलन का परिणाम ये निकला कि हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीन संगठन की उत्पत्ति हुई, तीन संगठन बने। फर्स्ट वर्ल्ड बैंक, और दूसरा IMF, और तीसरा गेट WTO। तो वर्ल्ड बैंक जो चूँकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू हुई थी, ये सम्मेलन शुरू हुआ था, और मकसद ये था कि जितने भी पुअर कंट्रीज हैं या जिस कंट्रीज़ की जो इकोनॉमी है वो वॉर की वजह से, युद्ध की वजह से डैमेज हो चुकी है, संकट में आ चुकी है, उसको फिर कैसे खड़ा किया जाए। तो उसके लिए सबसे पहले वर्ल्ड बैंक इस्टेब्लिश किया, दूसरे नंबर पर आया IMF, और फिर गैट। गैट का मकसद था कि जो ट्रेड बैरियर होती है, एक देश जब दूसरे देश के साथ ट्रेड करता है, व्यापार करता है, तो उसके बीच में जो प्रतिबंध होते हैं, उस प्रतिबंध को रिमूव करने के लिए, कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए गैट की स्थापना हुई 1947 में। ये क्यूबा में के एक शहर में सम्मेलन हुआ था, 23 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, और इंडिया भी, भारत भी इसका संस्थापक सदस्यों में से एक पार्टिसिपेट किया था। और इसका काम शुरू हो गया 1948 से, इसने काम शुरू कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि गैट की स्थापना 1948 में हुई, और फिर आगे चलकर ये बदल गया WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में 1995 में। दूसरी चीज़ हम देखेंगे वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक जनरली है क्या? तो वर्ल्ड बैंक कई बैंकों का समूह है, हिस्सा है। विश्व बैंक में 5 बैंक है, IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। जैसे आपके इसके नाम से पता चलता है कि रिकंस्ट्रक्शन मतलब फिर से पुनर्निर्माण के लिए, जो भी देश वर्ल्ड विश्व बैंक के सदस्य हैं उसको फिर से निर्माण करने के लिए, फिर से उसके विकास के लिए ये लोन प्रोवाइड करती है। तो ये 1944 में जो अभी जो वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक है, वो इसी का फॉर्म है। शुरू में ये नाम उसका IBRD ही था, दूसरा RDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये एस्टेब्लिश हुआ था 1960 में। तो शुरू में इस दो बैंकों को मिलाकर वर्ल्ड बैंक एस्टेब्लिश किया गया था, बाद में इस तीन को भी ऐड किया गया। उसमें एक IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस ऑपरेशंस, जो एस्टेब्लिश हुआ था 1956 में। चौथा MIGA, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, जो एस्टेब्लिश हुआ था 1988 में। और लास्ट है ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, जो विवाद होता है उसका निपटारा करती है, एस्टेब्लिश हुआ था 1966 में। अब हम देखेंगे कि वर्ल्ड बैंक जो विश्व बैंक है उसका टारगेट क्या, मकसद क्या है। तो एस्टेब्लिश हुआ था 1944 में, और हेडक्वार्टर वर्ल्ड बैंक का भी और IMF का भी, दोनों का Washington DC में, जो USA में, अमेरिका में है। और इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं वो 189 है, 189 मेंबर है। तो मकसद क्या, पहला कि लॉन्ग टर्म कैपिटल वो इन्वेस्ट करता है, किसको, जो इसके सदस्य देश हैं, और कितने टाइम के लिए, 20 साल के लिए वो इन्वेस्ट करता है, ताकि वो अपना विकास कर सके और विकास से रिलेटेड जितना काम है वो कर सके, और उसके लिए वो कैपिटल प्रोवाइड करता है 20 साल के लिए। दूसरी चीज़ है कि इन्वेस्टमेंट भी करता है, और इन्वेस्टमेंट भी कैसा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, उसको प्रमोट करता है, यानी जो ऐसा माहौल बनाया जाता है, वातावरण बनाया जाता है कि जिससे जो फॉरेन जो इन्वेस्टर है वो वहाँ इन्वेस्ट कर सके और वहाँ शांति स्थापित हो, और उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है या बिजनेस से रिलेटेड जितने काम है वो आसानी से हो और वहाँ वो कैश फ्लो ज़्यादा हो सके, तो ये काम करता है। जैसा कि प्रोजेक्ट जो उसके सदस्य देश हैं, जो नंबर ऑफ 189 कंट्रीज है, जितने सदस्य देश है वहाँ किसी भी तरह का प्रोजेक्ट या स्मॉल हो या बिग हो, बड़ा प्रोजेक्ट हो या छोटा प्रोजेक्ट हो, उसको लोन प्रोवाइड कराती है वर्ल्ड बैंक। और लोन के साथ वो रियायती दर पे लोन प्रोवाइड कराता है। और छोटा जैसे अगर प्रोजेक्ट है कि NH बनाना है या डैम बनाना है, इस तरह से जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उस प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक लोन प्रोवाइड कराती है और रियायती दर पे कराती है। और इसका ये टारगेट है कि जो पॉवर्टी है पूरे वर्ल्ड में, उस पॉवर्टी को कम करना। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट भी पब्लिश करती है, 5 रिपोर्ट पब्लिश करती है। पहला वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, दूसरा डूइंग बिजनेस रिपोर्ट और ईज ऑफ लिविंग रिपोर्ट, चौथा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, और पाँचवा वर्ल्ड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। हर रिपोर्ट पब्लिश करने का अलग अलग बेस होता है, आधार होता है। इसके लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे।